अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ एहतिशामुल मदीना और आज आपको एक बुज़ुर्ग जो कि अरब के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, इनके मुतालिक कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है और आपने इनके मुतालिक जो भी बातें हैं वो तवज्जो से सुननी है, और साथ के अंदर जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उसके हवाले से भी आपने पूरी मुकम्मल मेरी वीडियो को सुनना है, देखना है, और साथ ही जो इनकी असल हकीकत है इस सारे वाक़े की, इसको भी आपने तवज्जो से सुनना है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो बुज़ुर्ग वायरल हुए हैं मदीने पाक की सरज़मीन से, ये वापसी जब ये लौट रहे थे तो बार बार ये सरकार अलैहिस्सलाम के गुंबद खजरा और मीनारे गुंबद खजरा के साथ जो मीनार हैं इसको पलट पलट कर ये वापस देख रहे थे, ज़ियारत कर रहे थे। तो किसी देखने वाले ने इनकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो उसने शेयर कर दी। जब वो वीडियो शेयर हुई तो यकीनन वो वायरल हुई, और जब वायरल हुई तो अरब के अंदर बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल होने के बाद बहुत ज़्यादा अरब के अंदर इसको देखा जाने लगा। फिर क्या हुआ, वही जो कि हमारे साथ चलता चला आ रहा है कि इन बुज़ुर्ग के मुतालिक ये कहना शुरू कर दिया कि ये वो बुज़ुर्ग हैं, तो नऊज़ु बिल्लाह सहाबा इकराम से इनको तशबीह दे दी गई, और बाज़ों ने तो ये तक कह दिया कि सहाबा इकराम का जो दौर था वो लौट आया है और बिल्कुल सहाबी लग रहे हैं, इस तरह की मतलब वो गुफ्तगू चलती रही, सामने आती रही। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, एक बात याद रखना, ये ज़रूर है कि इन्होंने अपने सर मुबारक पर इमामत शरीफ पहना हुआ है, सफ़ेद कलर का इन्होंने जो है ज़िबदन किया है, इनका जो लिबास है, इनका जो रुमाल है ओढ़ने का, इनका चलने का जो अंदाज़ है, ये ज़रूर कह सकते हैं कि इनका जो है बहुत बेहतर नज़र आया, और कुछ ना कुछ तर्स जो है पिछले दौर के अंदर जो बुज़ुर्गाने दिन गुज़रे हैं उनके मुतालिक ही रहा है, ये तो कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये सहाबी हैं, ये नहीं कह सकते कि सहाबी के दौर के अंदर ये वापस लौट आए हैं, और बहुत सारी जो गलत फहमियाँ वायरल हो रही हैं ये होना नहीं चाहिए। अब आगे सुनिए कि जब ये सऊदी अरब के अंदर वायरल हुए तो फिर यकीनन उस शहर से वायरल होने का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर वो वायरल हो जाना, फिर दीगर ममालिक के अंदर इनकी वीडियो वायरल होने लगी, लोग देखते रहे देखते रहे, और यहाँ तक के इस तरह की बातें सुनने में आई कि बाबा जी ने अपना आस्ताना खोल लिया है, और ना जाने किस तरह की बातें हुई। बार कैफ इनका नाम अब्दुल कादिर बख्श है और मुल्क पाकिस्तान के एक शहर बलोचिस्तान हब के ये रिहायशी हैं, एक छोटे से गांव के अंदर रहते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये बुज़ुर्ग बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन्होंने नौकरी कर कर कमो पेश 15 साल, मेरी मालूमात के मुताबिक 15 साल इन्होंने नौकरी की है, वो किस तरह के ये बकरियाँ चलाया करते थे। फिर क्या हुआ, जो तनख्वाह आती थी उसको जमा करते रहे, फिर पासपोर्ट का सिलसिला बनाया, फिर जाने के असबाब जमा करें, इस तरह का ये सारा इनका सिलसिला बना। फिर उसके बाद ये उम्रे पे तशरीफ़ ले गए, उम्रा किया, उम्रा अदा करने के बाद वापसी जब लौटने लगे तो इनकी वीडियो इतनी वायरल हो गई। तो अब इनके मुतालिक ये आ रहा है कि हज़रत ने दम दुरूद का सिलसिला शुरू कर दिया, इनके मुतालिक इन्होंने इनकी वीडियो जो मैंने देखी है, इनकी गुफ्तगू जो मैंने सुनी है उसके अंदर ये खुद कह रहे हैं, जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो लोग मुझे तौबा नाउज़ बिल्ला मुझे फरिश्ता समझने लगे, कोई आ रहा है दम कराने आ रहा है, कोई आ रहा है अपने सर पे हाथ रखवाने आ रहा है। ठीक है, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, अपने सर पर हाथ रखवाएं, शफ़क़त का हाथ रखवाएं, लेकिन तौबा नाउज़ बिल्ला इस तरह के जुमले कहना हरगिज़ दुरुस्त नहीं होगा। बहरहाल मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपनी उसी मालूमात को आगे शेयर करें, जो लोग गलत मालूमात को शेयर कर रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस तरह का मामला ना कीजिए, इस तरह की गुफ्तगू ना कीजिए, इस तरह की बातें इनके ऊपर ना कीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अब ये दोबारा उम्रे पर तशरीफ़ लेके गए हैं, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये तशरीफ़ ले जा चुके हैं या जाने वाले हैं, लेकिन ये ज़रूर है
के शाही ख़ानदान की तरफ से इनको दावत पेश हुई है। शाही ख़ानदान की तरफ से मोहम्मद बिन सुलेमान की तरफ से जो है इनको हज का भी जो है इजाज़तनामा मिला है। बहरहाल अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हमें हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और मेरी इस वीडियो को पूरी आपको शेयर करने की तौफीक अता फरमाए ताकि आपको हक और सच मौसूल हो जाए, लोगों तक हक और सच पहुंचता रहे और हम झूठ से बाज रहें और अपने हक और सच को बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आपने हमारी चैनल एहतशामुल मदीना को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर भी करनी है। अल्लाह करीम हमें ढेरों ढेर बरकतें नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।